गाइस वेलकम है तुम लोगों का लास्ट वर्ल्ड की एक और न्यू एपिसोड में। एंड आज किस वाले एपिसोड में मैं अपने महल के अगल बगल दीवार खड़ी करने वाला हूँ, क्योंकि आजकल चोर उचक्के ज्यादा ही हो गए हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैं बेसिकली दीवार इसलिए खड़ा करना चाहता हूँ क्योंकि उससे थोड़ा अपने महल का सुंदरता बढ़ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक चेस्ट बना लेता हूँ एंड इस चेस्ट को लेके आ जाता हूँ घर के अंदर। और चेस्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करूंगा एक साथ में सारी लकड़ियां इसके अंदर डाल दूंगा और फिर मैं अपना काम कर लूंगा। सो ये देख लो इतनी सारी जगह। अबे यार ये क्या कर रहे हैं, देखो इसके अंदर इतनी सारी जगह है जिसके अंदर मैं बहुत सारी लकड़ियां रख सकता हूँ और इससे बार बार मुझे लकड़ियां लेने जाना नहीं पड़ेगा। बस मैं एक बार मेहनत करके अच्छा खासा इसमें लकड़ियां भर दूँ, उसके बाद फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहीं से लकड़ियां निकाल के अपना घर वर बना लूंगा। तो अभी अबे चेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ से हट क्यों नहीं रहा भाई, ये क्या ग्लिच हो गया यहाँ पर, यह हट ही नहीं रहा। चलो दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें मेरा ही फायदा है। अगर नहीं हट रहा है तो मैं वहीं से लकड़ी इसके अंदर डाल दूंगा, सो बढ़िया रहेगा, मुझे बार बार आना नहीं पड़ेगा। एक बार में चेस्ट फुल कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अपना इन्वेंट्री भरेंगे, फिर वापस आ जाएंगे अपने महल के पास, फिर फटाफट से बनाएंगे अपने महल की अगल बगल दीवार। वैसे मैं आज सोच रहा था कि आइसलैंड जाऊं, लेकिन यार मेरा लेवल ही कंप्लीट नहीं हुआ है, आइसलैंड का मैप ही ओपन नहीं है, तो मैं जाऊंगा कहाँ। इसलिए मैंने सोचा कि आइसलैंड तो जा नहीं पाऊंगा, उससे बढ़िया है कि मैं अपने घर की सुंदरता को बढ़ा दूं, इसलिए आज मैं दीवार वगैरह खड़ी कर रहा हूं। एंड ये चीज करने से मेरा लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम आइसलैंड जाएंगे और वहां के बॉस पोकेमोन को पकड़ेंगे। पोकेमोन बोल रहा हूं, पेल्स को पकड़ेंगे। ये बार बार मेरे मुंह में पोकेमोन पोकेमोन पता नहीं क्यों आता है। बट दिस इस गेम में ना मैंने एक चीज आज नोटिस की, वो है हमारा वेस्ट वगैरह, वो भी हम बना सकते हैं, बट अभी नहीं यार। इसमें ना बहुत चीजें हम क्राफ्ट कर सकते हैं लेकिन अपडेट के बाद से। खैर गाइस बड़ी मेहनत के बाद तुम लोग देख सकते होगे मेरे चेस्ट और बैकपैक में चारों तरफ लकड़ियां ही लकड़ियां हैं। सो अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अपने घर को मॉडिफाई करने के लिए। ओके गाइस, तो अभी चलते हैं अपने आलीशान बंगले की तरफ। एंड मैं अपना काम किस साइड से स्टार्ट करूँ, पीछे से या फिर आगे से? मैं सोच रहा हूँ पीछे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस पीछे का जो रास्ता है ना वो ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर मुझे ये क्या बोलते ग्राउंड लगाने में ज्यादा ही प्रॉब्लम आएगा। ये देखो मैंने कहा था यहाँ पर ग्राउंड ही नहीं लग रहा यार, इसको मुझे ना थोड़ा तरीके से लगाना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पर तो आ रहा है बट यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, और इस साइड पे भी आ रहा है यार। मैं सोच रहा था इस पत्थर को भी ना अंदर कर देता। खैर यहाँ पर वो ग्राउंड लग रहा है तो यहाँ से ही लेके हम लगा सकते हैं इस साइड पर। अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं काम करता हूँ इस साइड पर इसे यहाँ पर लगा देते, ठीक है? और इसको बिल्कुल फिटेड रखेंगे, नहीं तो फिर आगे जाके थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर अच्छे से ग्राउंड लगा देता हूँ। एंड गाइस मेरा ग्राउंड का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, लोग देख सकते हो कि ये किस तरीके का बनने वाला है। सोच रहे हो तुम लोग किस तरीके का बनेगा? नहीं सोच रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूँ बहुत ही खतरनाक तरीके का बनाने वाला हूँ मैं अपने महल की दीवारों को। हाँ, तो अभी मैं लगाने वाला हूँ वॉल वगैरह, तो अभी यहाँ से वॉल वगैरह लगाने का स्टार्ट करते हैं। एंड यार इसमें ना कुछ और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वॉल होते तो मज़ा आ जाता इसको लगाकर, लेकिन हाँ हो सकता है अपडेट के बाद से और भी कुछ नए। अबे यार ये मेरा पाल क्या भोंदू पाल है यार, इसने एक लकड़ी बर्बाद कर दिया। चलो छोड़ो, वैसे मेरा ही पाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अभी मुझे वॉल लेना है, ठीक है? यहाँ से मैं फटाफट लगाना स्टार्ट करता हूँ। इधर पे हो गया, इस साइड पे हो गया, एंड यार इस साइड पे भी और इधर पे। चलो इसको भी बिल्कुल परफेक्टली लगाएंगे और कहीं मैं लकड़ियाँ नहीं बर्बाद करने वाला। सो गाइस अभी मेरे इस साइड का काम हो चुका है, तुम लोग देख सकते होगे। और अभी जो काम बचा है मेरे पीछे का थोड़ा सा बचा है और इस साइड का एंड आगे का, तो मैं इधर से फटाफट इन कामों को निपटा लेता हूँ। इस साइड का लगा के जल्दी जल्दी से, इधर पे भी और इस साइड पे भी। एंड मैंने यहाँ पर जगह छोड़ा, पता है ये देखो जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ना वहाँ पर मैंने थोड़ी डिजाइन के लिए जगह छोड़ दिया है। सो अभी मैं इधर पे भी लगा देता हूँ एक, ये इस जगह पे मैं अपना चेस्ट वगैरह रखूँगा तो इसको मैं थोड़ा आगे से खुला ही रखूँगा। एंड इधर पे लगा देते, ये हो गया ऊपर, और इससे ज़्यादा ऊपर करने की जरूरत है कि नहीं। फाइनली मेरे अगल बगल का काम हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। एंड तुम लोग देख सकते होगे अभी ये किस तरीके का दिख रहा है, पहले कुछ अलग दिख रहा था और अभी मेरा जो, अबे यार यहाँ का मैंने लगाया नहीं यार एक दीवार। चलो इधर का लग चुका है, इस साइड पर भी लगा देते फटाफट। एंड इधर का हो गया और ये, और अभी ठीक है इस साइड पर बच गया है, इस साइड पर खुला है, इसको भी पैक करते फटक से। अबे यार हाँ अब सही है, और इधर पर भी अभी मुझे इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा। रुको ये हो गया और एक और। चलो अब मैं इसके पीछे का काम कर देता हूँ फटाफट से, और लगभग ना दोस्तों मेरे पीछे का काम हो ही गया है। बस यहाँ पर एक प्लैंक है ना, ये आ नहीं रहा अच्छे से, रुको इसको अच्छे से लगाते, ये सही है। चलो अब एक जगह है जो कि थोड़ा सा छूटा है, अब यहाँ पर के लिए तो मैं इसे कुछ नहीं कर सकता, अब ये ऐसे ही कूलर रहेगा। वैसे भी यार पीछे से कौन ही आएगा देखने, अपने को तो आगे से देखना है, अब पीछे वगैरह हम ज़्यादा आएंगे नहीं। हाँ तो अभी फिलहाल मेरे सारे काम हो चुके हैं, अभी बस बचा है तो सामने का काम, इधर पे ही फटाफट लगाएंगे। अभी फिलहाल देख लो तुम लोग कुछ इस तरीके का दिख रहा है, अगल बगल सारे तरफ दीवार हो चुका है।
पीछे का काम भी मेरा हो चुका है। सो गाइस वॉल लगाने से पहले आज के जो विनर है वो है मेटल गेमिंग, तो बिग शाउट आउट टू यू ब्रो, इनका भी जाकर दोस्तों चैनल चेकआउट कर लेना कैसा है कैसा नहीं। हाँ तो चलो अभी लगाना स्टार्ट करते हैं अपने इस साइड के वॉल को। इधर तो मैंने एक लगा दिया है अभी, अबे यार किधर घुस रहा है, चलो इस साइड पे लगाना है। अरे पता नहीं दोस्तों ये बार बार उधर क्यों चपक जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ अंदर से ही लगाऊं, अंदर से ही ठीक लगेगा। नहीं यार अंदर से तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं काम करता हूँ बाहर से ही लगाता हूँ, बाहर से एकदम समझ में आएगा किस तरीके का हमारा वो लग रहा है। अभी मुझे यहाँ पर एक जगह छोड़ना है, चलो ये रास्ते का जगह है तो इसे मैं पैक नहीं करूँगा, इधर पे गेट लगाना है मेरे को। एंड तुम लोग देखो इस साइड का भी काम हो चुका है, अभी ये रास्ता ही है ना, ठीक है चलो इस साइड से लगाने स्टार्ट करते हैं। अभी फटाफट ये छूटा है, ठीक है इस साइड से फटाफट लगाते हैं, ये हो गया एंड यहाँ पर हो गया और अभी यहाँ पर, अभी ऊपर का हो गया फटाफट लगा देते हैं। एंड इधर पे बचा है बस ये छोटा सा जगह, अगर गाड़ी वगैरह होता तो मैं इसको गैरेज बना देता, बाकी अभी फिलहाल इसको मैंने पैक कर दिया है। और ऊपर हमारा खुला रहेगा क्योंकि ये दीवार है ये घर नहीं है। एंड यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इसको खुला ही रहने देते हैं, वैसे भी दोस्तों गेट लगाने का कोई जरूरत है नहीं, इतना छोटा सा गेट है इसलिए मैं गेट वगैरह नहीं लगाऊंगा। अभी तुम लोग मुझे रेट करो कि अपना जो ये घर है कैसा लग रहा है। ये देखो मैंने डिजाइन वगैरह भी छोड़ के रखा है एंड यहाँ पर मैं अपने चेस्ट वगैरह ला के रखूंगा। एंड गाइस सच्ची बता रहा हूँ इस गेम में वैसे भी डिजाइन कम है और इतने कम डिजाइन होने के बावजूद मैंने इतना अच्छा घर बनाया है, मेरे हिसाब से तो मेरे को अच्छा ही लग रहा है। तुम लोग मुझे बताना, पता नहीं तुम्हें कैसा लगता है यार। आई होप गाइस तुम लोगों को अच्छा ही लगेगा, बाकी वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम्हें कैसा लगता है। मुझे तो भाई कन्फर्म बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड मैं सोच रहा हूँ ना अभी इसके ऊपर भी थोड़ा काम किया जाए, लेकिन अभी नहीं, अगले एपिसोड में हम इसके ऊपर, नहीं अगले एपिसोड में तो हम शायद आइसलैंड जाएं, जैसा होगा वैसे फिर करेंगे। बाकी अभी इसके ऊपर भी मैं वो क्या तो बोलते हैं इसके ऊपर का भी मंजिल मैं बनाऊंगा। खैर तो दोस्तों आज के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया, मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय।